निलेश बताइए, आपने इंडेक्स पर व्यू तो दे दिया था, लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से कहां पर फोकस करना चाहिए, कहां पर मौके दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल अभिषेक, देखिए खरीदारी पे ही फोकस करना चाहिए। जिस हिसाब से बेस फॉर्मेशन हो रहा है, एक पुल बैक के इंडिकेशन भी मिल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक शॉर्ट टर्म की गिरावट थी वो हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर एक अच्छा आउट परफॉर्मर साबित हो रहा है। हालांकि एक लुपिन को अगर हम हटा दें तो सारे बाकी फार्मा के काउंटर अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। डिवीज लैब, ये एक पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं और एक वी शेप रिकवरी भी यहाँ से देखने को मिल सकती है। ऊपरी स्तरों पर 4500 से लेकर 4600 तक के टारगेट को ध्यान में रख के चलना चाहिए इन लेवलों पर, और गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह होगी 4250 के स्टॉप लॉस से। वहीं और दूसरी ओर हम रियलिटी पैक देखें, हालांकि एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमें देखने को मिली, बट इसके विपरीत ओबेरॉय रियलिटी एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर काउंटर है और लगातार उसमें एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ एक मिनटों में एकाएक यहाँ पे स्पर्ट हमें देखने को मिला है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड क्लियरली यहाँ पे फेवरेबल तो नजर नहीं आ रहा है। बट मैं कहूंगा कि अगर 980 टू 970 के बीच में आता है तो यहाँ पे खरीदारी करें 955 के स्टॉप लॉस से। 1020 और 1040 ये दो टारगेट होंगे, तो थोड़ा सा रिविजन है, इन लेवलों पर खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, यहाँ पे गिरावट पे खरीदारी करें। एक और काउंटर अभिषेक में हाईलाइट करना चाहूंगा, वो होगा चोला मंडम फाइनेंस। देखिए काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन में आ दिख रहे हैं और अभी अभी यहाँ पे एक पिनेंट पैटर्न ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। इसके नतीजे भी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो इवेंट है वो खत्म हो चुका है। एक मेजर ब्रेकआउट के आसार नजर आ रहे हैं, 680 से 700 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो ये पर्टिकुलर काउंटर को ध्यान में रखना चाहिए 650 के स्टॉप लॉस से। डीवीएस खरीदना आपको 4500 से 4600 रुपए तक के लक्ष्य के लिए, आज ये निफ्टी की टॉप गिनेस में भी शुमार है। उसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस और